नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है पांच की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। काफी समय पहले लगातार कोविड पर कोरोना पर चर्चा हुआ करती थी, लेकिन बीच में वो समय आया जब मास्क भी हट गए और प्रोटोकॉल को लेकर बहुत सारी ढील भी हुई। लेकिन अब चौंकाने वाली खबरें फिर से आनी शुरू हो गई है। हम यहाँ डरा नहीं रहे हैं, लेकिन चेता जरूर रहे हैं, क्योंकि चीन से और दुनिया के कई और देशों से जो खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक हैं। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में तो ऐसा लग रहा है कि भूचाल सा आ गया है चीन में। तस्वीरें भी अच्छी नहीं हैं। जाहिर तौर पर भारत में भी अब सब अलर्ट में है। सरकार ने चेतावनी देनी शुरू कर दी है, गाइडलाइंस जारी करनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज बैठक भी ली है और उसके बाद अब कुछ और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हिदायतें जल्द ही जारी भी की जाएंगी। लेकिन इस बीच मनसुख मांडविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्योंकि अब चिंता का विषय है देश में और इसीलिए इस चिंता के तहत एक चिट्ठी लिखी जाती है भारत जोड़ो यात्री यानी राहुल गांधी को। और ये कहा गया कि जिस तरह से वहां पर भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो कम से कम प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, वरना यात्रा को स्थगित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। जाहिर है राजनीति शुरू हो गई, कोविड को लेकर राजनीतिक वेरिएंट सामने आ गया है। और वो वेरिएंट ये है कि कांग्रेस ने कहा है कि क्योंकि बीजेपी डर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, उसमें आ रही भीड़ से, लोगों से, इसीलिए ये प्रोटोकॉल हमें याद दिलाए जा रहे हैं, इसीलिए ये चिट्ठी लिखकर बताया जा रहा है। तो जरा आज इस पर चर्चा करेंगे कि क्या देश हित में अभी हमें वो खबरें भी नहीं भूलनी चाहिए जो 2021 में 20 में सामने आई थी और तब तबलीगी जमात पर बहुत सारे आरोप लगे थे, गिरफ्तारियां हुई थी और देखा था कि किस तरह से कोविड फैलाने में उनका योगदान रहा था। तो अब अगर ऐसा ही कुछ चेतावनी देने की कोशिश हो रही है, सिर्फ बताया जा रहा है, तो उसमें राजनीति क्यों आखिर? इसी पर बात करेंगे। लेकिन जरा जो खबरें रही इस यात्रा से और खासकर कोविड से जुड़ी हुई आज सुबह से अब तक, उस पर पहले नजर डाल लेते हैं। कोविड 19 के बढ़ते खतरे पर स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक आज हुई है। सुबह से कई दौर से ये बैठकों का दौर आज चलता रहा है। पहले संसद में बयान आते हैं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से और उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल को लेकर आज वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उन सबकी बैठक हुई। पिछले एक हफ्ते में दुनिया भर में कोरोना के सामने आए हैं लगभग 36 लाख केस। कोई ऐसा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि 36 लाख केस और 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा भी अब तक सामने आ चुका है। सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश ने भी जारी किया, लेकिन केंद्र की तरफ से भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। राहुल गांधी और अशोक गहलोत के नाम स्वास्थ्य मंत्री ने फिर एक पत्र लिखा। जब ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और देश में अलर्ट पर है, तो फिर अब ये पत्र लिखा गया। इस पत्र में भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह मनसुख मांडविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने चिट्ठी में जताई है। कुछ प्रोटोकॉल क्या क्या उनका पालन करना है वो भी इसमें लिखा गया। नियमों का पालन ना होने की स्थिति में देश हित में यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया है। ये चिट्ठी में लिखा गया है कि या तो आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए या फिर यात्रा को कुछ समय के लिए आप स्थगित कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यात्रा से जब वापस लौटते हैं तो उनको पता लगता है कि कोरोना पॉजिटिव है। वो 12 किलोमीटर वो राहुल गांधी के साथ चले थे और जब वो अपने हिमाचल प्रदेश वापस पहुंचे और टेस्ट हुआ तो पता लगा वो तो कोविड पॉजिटिव है। क्या एक परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है, ये बात कही है अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया इस सब को लेकर, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि क्या परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है, सरकार यात्रा से बौखला गई है। कांग्रेस ने दलील ये दी है अपने पक्ष में। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस यात्रा से क्योंकि बौखला गई है बीजेपी और सरकार, इसीलिए ये पत्र सामने आया है और इसीलिए ये तमाम बातें सरकार की तरफ से सामने आई है। तो ये तो वो बयान रहे जो कि आज सुबह से अब तक चर्चा में रहे, लेकिन जरा मनसुख मांडविया ने जो बड़ी बात बोली अब जब उन्होंने एक प्रेस से बातचीत की है, उसमें उन्होंने उस चिट्ठी पर भी बात की और कोविड के प्रोटोकॉल पर भी बात की, वो जरा सुन लेते हैं। भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके
देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूँ कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधारूप है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधान सेवक की टीम में वो हैं और जिस तरह से उनका जो दायित्व है बतौर स्वास्थ्य मंत्री वो उन्होंने निभाया है, उनको आगाह करना राहुल गांधी को, अशोक गहलोत को और तमाम यात्रियों को, उनका फर्ज था, उनकी जिम्मेवारी थी और वही उन्होंने निभाया। अब जरा वो चिट्ठी जिसको लेकर ये पूरी राजनीति शुरू हुई है कोविड पर, उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। जब वो चिट्ठी मनसुख मांडविया की तरफ से लिखी गई, उस चिट्ठी में क्या सब था वो जरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चिट्ठी में सीधे तौर पर ये बात लिखी गई है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो खबरें काफी चौंकाने वाली हैं चीन से, और राजस्थान में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चली है वहां पर जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। और ये भी आपको बता दें कि ये चिट्ठी तब लिखी है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जब राजस्थान के भाजपा के कुछ सांसदों ने इस बात को लेकर संदेह जताया था कि राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है यात्रा में, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जब कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं तो वो कितने लोगों से वहां मिले होंगे, राहुल गांधी के साथ 12 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की, तो इसीलिए पीपी चौधरी जो कि सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने मांग भी कर डाली कि राहुल गांधी को भी एहतियातन अपना कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ इतनी लंबी यात्रा की थी। चलिए ये तो हुई पत्र की बात, लेकिन इस पत्र के बाद जो रिएक्शन सामने आए हैं जरा एक एक करके उन पर भी नजर डालते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे। ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? ये कोविड होता है दोबारा से देश में आता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उन्होंने कहा है एज ए हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, जिम्मेदारी वाली बात कही, और इसको राहुल गांधी जी और उनके पूरे समस्त जो पूरा एक जो पूरा एक उनका वो चल रहा है, जुलूस चल रहा है, उन लोगों को अपने की जान के साथ साथ बाकी लोगों की जान और जिंदगी और भारत की भी चिंता करनी चाहिए। जिम्मेदार सरकार ये उम्मीद करती है कि विपक्ष भी जिम्मेदार होगा। बात जिम्मेदारी की हो रही है, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के मामले ना बढ़ जाए उसका हो। ऐसे कई देश हैं जहां पे फिर से कोविड का खतरा बढ़ रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी बी राहुल नॉट रोविड। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? मामला भारत जोड़ो यात्रा का है और मामला सेहत का भी है, देश हित का भी है। जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया कुछ यूं आई है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के आसार खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तनाबूद हो चुके हैं, सुथरा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे, ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उनका षड्यंत्र है। हम लोग सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का ये प्रयास है।
अगर भाजपा को या भाजपा की सरकार को चिंता होती तो इस तरह का पत्र सतीश पूनिया को भी लिखते, जो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में, इस तरह का पत्र कर्नाटक भाजपा को भी लिखते, वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। और मास्क कंपलसरी करते हवाई यात्रा में सार्वजनिक स्थानों पे, वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो मंशा स्पष्ट है, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। तो देश की चिंता किसको है, जरा आज अपने खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बात यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा की नहीं है, बल्कि यहां पर देश हित की बात है, देश के तमाम उन लोगों की बात है जो इस यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं और इस यात्रा से निकलकर बाकी लोगों से मिल भी रहे हैं। और अगर गृह मंत्रालय की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई एडवाइजरी आती है तो फिर उसका पालन तो देश के हर नागरिक को करना पड़ता है, उसमें राजनीतिक दलों पर, राजनीतिक नेताओं पर ये बात लागू नहीं होगी, ऐसा कब से होने लगा? तो जरा इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं परिचय करा देती हूं खास मेहमानों का आपसे। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है अजय आलोक जी आपका। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ एडवोकेट महिमा सिंह जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। और हमारे साथ कोविड मुंबई में जो मुख्य कोऑर्डिनेटर रहे, जो मुख्य डॉक्टर है, डॉक्टर गौतम भंसाली जी, वो भी इस वक्त जुड़े हैं। तो जरा उनसे भी हम यथास्थिति जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अनिला सिंह जी आप ही से शुरुआत करूंगी, जो बात अभी पवन खेड़ा ने कही, वो कह रहे हैं कि आपकी तो तमाम यात्राएं चलती हैं, उस पर तो कोई कोविड के रूल्स लागू नहीं हो रहे। कर्नाटक में भी उन्होंने बात की, राजस्थान में भी उन्होंने बात की, तमाम जगहों की। तो फिर राहुल गांधी से किस बात का डर है और भारत जोड़ो यात्रा पर भी जो डर के बादल हैं वो किस बात के मंडरा रहे हैं? मेरी सबको राम राम। और जब हम कोविड की बात करते हैं तो ये जो वायरस है ये केवल ऐसा तो है नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो या कांग्रेस पार्टी के कोई भी लीडर्स हो उन्हीं को इन्फेक्ट करेगा, तो किसी को भी कर सकता है ना। तो ये तो मैं कहूँगी बहुत मूर्खता की बात है अगर वो ये कह रहे हैं केवल और केवल भारत जोड़ो यात्रा के लिए इस प्रकार का पत्र लिखा गया है, बाकी जगह पूरी पूरी छूट होगी। जी नहीं, इस प्रकार की अगर भारी मात्रा में कहीं पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल अब फॉलो करना पड़ेगा। ये भारत की बात की, पूरे विश्व में एक रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। चाइना में जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, और इधर हमने भारत में भी थोड़ा सर्ज देखा है उसमें, तो अगर हम पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो अगर फिर इसका कोई बहुत बड़ा रूप लेके हमारे सामने आ जाएगा, फिर यही लोग बोलेंगे आप लोगों ने तैयारी नहीं करी, आप लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए। और अगर अब प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, अपील की जा रही है तो उसको एक अच्छे नागरिक होने के नाते राहुल गांधी जी को एंटरटेन करना चाहिए, उसके ऊपर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अब कोई भी यात्रा हो, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे राजस्थान में हो या कहीं और पर हो, अगर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है तो वो सबको करना होगा, चाहे कोई राजनीति में है या नहीं है। Okay. तो राहुल गांधी जी ये और या उनके नेता ये कहकर कि केवल और केवल राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि खुद का अपना मजाक बनवा रहे हैं। मुझे लगता है राष्ट्र बड़ा है, बाकी सब चीजें बाद में है, देश के नागरिकों के लिए कम से कम इनको इस प्रकार का प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। Okay. महिमा सिंह जी, ये जो तस्वीरें आप हम लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वही तस्वीर है जिसको लेकर के ये पत्र जो है वो लिखना पड़ा, जिसको लेकर के चिंता जताई गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हाल ही में 12 किलोमीटर तक राहुल गांधी के साथ चले, वो जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उन्होंने समय मांगा, और जाहिर तौर पर एक प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री से कोई भी मिलने जाता है तो उसका पहले कोविड टेस्ट और तमाम टेस्ट होते हैं, और जब उस वक्त टेस्ट किया गया सुक्खू जी का तो ये पाया गया कि उनको वो कोविड पॉजिटिव है। जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है, एक खतरे की बात है। अब अगर राहुल गांधी जी की यात्रा पर, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, और देखिए कितने करीबी जो मुलाकात थी वो थी सुक्खू जी के साथ भी, तो फिर इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ जाती है? ये तो सेहत का मामला है ना। बिल्कुल बिल्कुल रीमा जी, सेहत का मामला है, इसीलिए तो पवन खेड़ा जी ने ये पूछा भी है कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं इस समय, आप उसे जरा स्पष्ट कर दें सभी के लिए। क्योंकि जैसा जयराम रमेश जी ने कहा कि संसद भी चल रही है, या हम देखते हैं कि चाहे हम फ्लाइट में जाएं, चाहे हम रेस्टोरेंट में जाएं,
उपभोक्ता होने के नाते हमारे ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जो स्टाफ है, चाहे एयर होस्टेसेस हैं, चाहे रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ है, वो हम देखते हैं कि पूरा समय मास्क लगा करके या तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ कार्य कर रहे हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन है। हम तो एक क्लैरिटी हमने मांगी है। हमारे अध्यक्ष जो हैं मीडिया डिपार्टमेंट के पवन खेड़ा जी, उन्होंने स्पष्टता मांगी है कि आप गाइडलाइंस जरा क्लियर कर दें पूरे देश भर के लिए, क्योंकि बहुत संजीदा मामला है, संवेदनशील मामला है, वो गाइडलाइंस जरा क्लियर हो जाए, फिर वो संसद पर भी लागू हो जाएंगी, फ्लाइट्स पर भी लागू हो जाएंगी, बीजेपी की यात्राओं पर भी लागू हो जाएंगी, रेस्टोरेंटों में भी लागू हो जाएंगी और यात्रा पर भी लागू हो जाएंगी। नहीं तो ये तो वैसा ही हथकंडा लग रहा है जैसा कि कृषि आंदोलन के ऊपर चलाया गया था, क्योंकि ये वैसा ही जो चिंता है भाजपा की, उसी प्रकार की चिंता है जो कि जब ये लोग गैर संवैधानिक कदम उठाते हैं तो इस प्रकार की चिंताएं इनके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर हिटलर की याद आती है। देखिए, इलेक्टिव डिक्टेटरशिप नाम की एक चर्चा विश्व भर में चलती है, चुनी हुई तानाशाही, जिसके अंदर बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, जिसमें से कुछ मैंने पढ़े भी हैं अपने रिसर्च के दौरान, और तमाम पेपर्स उपलब्ध हैं गूगल के ऊपर पढ़ने के लिए। वरना सर्वोच्च न्यायालय जब सवाल उठाता है कि आप लोगों ने ऐसी चीजों के ऊपर चिंता क्यों नहीं की कि वैक्सीनेशन के बाद जो एडवर्स इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि कैंसर के केसेस के अंदर 10,000% इजाफा आ गया है, या हार्ट अटैक्स की संख्या बढ़ गई है वैक्सीनेटेड लोगों में, इस तरह की जो चीजें होने लगी, तब सरकार ने बोला हमने तो कंपलसरी नहीं किया वैक्सीन। सर्वोच्च न्यायालय के सामने कुछ और बोलते हैं, जमीन पर कुछ महिमा और। जी महिमा जी महिमा जी महिमा जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी बात का जिक्र किया, आपने जिन जिन जगहों का जिक्र किया, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का प्रोटोकॉल है, वहां पर जब भी सेशन होता है उससे पहले चेकिंग होती है। दूसरी बात जो आपने ये बात कही, तमाम जो आपने इंसिडेंट गिना है, आज जो सरकार हरकत में आई है, पिछले एक हफ्ते में, हम लगातार ग्राफिक्स में चला भी रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में कितने लाख केसेस आ रहे हैं, ये जो भूचाल अचानक से आया है, चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो सारा डेवलपमेंट पिछले 3 से 4 दिनों के बीच का ही है। तो इसीलिए आज ये चिट्ठी लिखी गई है, और जब सुखू जी पॉजिटिव पाए गए हैं तब वो चिट्ठी लिखी गई है। हमने तो अभी आपके चैनल के माध्यम से भी, देखिए चैनल सरकार का है, आप सरकार का जो है वो यहाँ पर नुमाइंदगी करती हैं जब आप बैठती हैं इस चैनल पर, जो सरकार का चैनल है, तो सीधी सी बात है आपके माध्यम से हम सरकार चीन से में पूछ... चीन में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें ना तो दूरदर्शन का हाथ है ना ही सरकार का हाथ है। चीन से जो तस्वीरें आ रही है उसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। चीन में अगर कोविड अगर 2021 में इतने लोगों के लिए जानलेवा हुआ, उसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं था, ना ही सरकार का योगदान था। तो आपने जो मुद्दे को भटकाया है, मुझे समझ नहीं आया इस सवाल का जवाब ऐसा बनता है क्या कि हमारा सरकार का चैनल और हम सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये पूछा कि आप हमें प्रोटोकॉल गाइडलाइन पूरे देश के निवासियों को क्लियर कर दें, क्योंकि 2 दिन पहले त्रिपुरा में प्रधानमंत्री जी की रैली में भी, एक हफ्ते से आप बता रही हैं छवियां आ रही हैं और हम बिल्कुल चिंतित हैं, लेकिन वो जो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी की रैली की करोड़ों लोगों की हम तस्वीर देख रहे हैं, तो उसको देख के भी चिंता जाहिर होती है, जाहिर तौर पर उनको भी बताया गया होगा। वो गाइडलाइंस क्या है वो सब लोगों को एक बार बता दें, ताकि स्पष्टता आ जाए लोगों के अंदर, किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि अभी कंफ्यूजन ये है कि गाइडलाइन है तो क्या वो मोदी जी की रैली के लिए नहीं है, सिर्फ यात्रा के लिए है, या फिर जो है इनकी भाजपा की यात्राओं के लिए नहीं है, कांग्रेस की यात्राओं के लिए। हम तो स्पष्टता मांग रहे हैं, वो स्पष्टता। ठीक है, मैं एक मिनट के लिए जल्दी से बीजेपी से हाँ मैं जरा आपके पास आना चाहूंगी, आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं वो शायद वस्तु स्थिति जो चल रही है उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूंगी, लेकिन पहले रिएक्शन दीजिए आप। नहीं देखिए, सबसे पहली बात है, मैं यहाँ पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा हो या तमाम यात्राएं हो, उसमें प्रोटोकॉल पर कोई अभी तक चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन अभी कांग्रेस की यात्रा पर जरूर चिट्ठी आ गई। त्रिपुरा की रैली 2 दिन पहले, मैंने इनसे पूछी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है क्या आज शुरू हुई या कल शुरू हुई, कब शुरू हुई है, कोई रोक टोक कुछ किया गया यहाँ आप लोगों ने, जहाँ से आप बड़े मनमानी तरीके से जो तरीका है आप लोग कर रहे थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं, परंतु जिस प्रकार से सर्ज देखने को मिल रही है, तो क्या अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर अलर्ट जारी हो रहा है, भारत भी अगर अलर्ट जारी कर रहा है, तो कुछ गलत कर रहे हैं साहब। आप प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दे रही है, आप कोई दूसरा उदाहरण दे रही है, कोई ना कोई डेट
होगी ना कि भाई अब से जो है कोविड प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे, या तो पहले की तरह आप लोग क्या दीजिए कि ताली खाली चिट्ठा होता है, वैक्सीनेशन मत कराइए, ये मत कराइए, कुछ नहीं है, यहाँ तो लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, फलाना नहीं मिल रहा, आपने दुनिया भर के दोष जो है हमारी सरकार पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर लगा दिए थे। मनमाने तरीके से जो कर रहे थे, पहली बात तो लोकतंत्र के अंदर विरोधाभास को यदि ये मनमाना तरीका बोलते हैं तो मैं नहीं समझती ये लोग सुशासन या शासन को क्या समझते हैं, लोकतंत्र को क्या समझते हैं। और दूसरी बात, ये 30 जनवरी 2020 को जब राहुल गांधी जी ने चेताया था और उसके 2 महीने बाद वही हुआ जो उन्होंने कहा था, तब उपहास किया था उस समय के जो डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, देश हित के विरुद्ध कौन था, आज ये जाहिर है। और आज भी महिमा जी पहले ओके 40 सेकंड हो गए, महिमा जी हो गए 40 सेकंड हो गए, मैं आती हूँ आपके पास, ओके मैं आती हूँ आपके पास। अजय आलोक जी, ये जो स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी है और जो भारत जोड़ो यात्रा है, दो एक अलग अलग चीज है। वहां पर सेहत और क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी थी, वो किसी की आंखों से छुपी नहीं है जो 2021 में हुआ, और 20 की जो तस्वीरें थी बेहद ही दर्दनाक थी। सभी लोग अभी भी जब सोचते हैं उसके बारे में तो सब खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस चीज का डर है ये? आपको लगता है वाकई में अगर यात्रियों को या जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं उनको अगर चेताया जा रहा है और अगर उनको सुझाव दिए जा रहे हैं तो ये किसी डर की वजह से दिए जा रहे हैं, और वो भी राजनीतिक डर की वजह से, कोविड का डर नहीं? देखिए रीमा जी, संसद का सत्र चल रहा है और राजस्थान के सांसद, उन्होंने कुछ सांसदों ने लिखित तौर पे जब एक शिकायत दी है स्वास्थ्य मंत्री को, तो निश्चित तौर पे एक प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य मंत्री को कुछ ना कोई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना था, उन्होंने चिट्ठी भेज दी। भाई आज की तारीख में कोई कोरोना प्रोटोकॉल का तो फॉलो हो नहीं रहा है, बस चेताया गया है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। अब राहुल गांधी जी सही बात बोल रही हैं कि उन्होंने जनवरी 2020 में बोला था कि हमें तैयारी रखनी चाहिए, नहीं तो भयावह परिणाम हो सकते हैं। 2021 में भयावह हो भी गए, तो राहुल गांधी जी को भी पता होगा कि अब कोरोना दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो परिणाम भयावह नहीं होंगे, इसलिए अपनी यात्रा जारी रख रहे हैं। भाई एक चीज तो सर्टेन है ना कि अगर केंद्र सरकार कोई राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेती है तो वो सब पे मान्य होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अभी एक सुझाव दिया गया है, लेना नहीं लेना आपका काम है, आपको यात्रा जारी रखनी है जारी रखिए। अब उनको, मुख्यमंत्री जी को हो गया कोरोना, राहुल गांधी जी को बिल्कुल चेक करवा लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई राजनीति की कोई बात नहीं है, और ये सुझाव है, मानना नहीं मानना उनका काम है, लेकिन अगर नियम लागू हो जाएंगे तो सबको मानना पड़ेगा। ओके डॉक्टर गौतम, आज की स्थिति में, क्योंकि अब बात यहाँ पर मैं आपसे राजनीति की नहीं कर रही, मैं तो आपसे वस्तु स्थिति की बात कर रही हूँ, क्योंकि लगातार जो अब केसेस बढ़ रहे हैं, चाइना से अब तस्वीरें आ रही हैं, आईसीयू में भी जगह नहीं है और बेड्स की भी जगह नहीं है, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि चीन से ही सब कुछ, पूरी दुनिया में जो चीज सामने आई थी, जो वेरियंट सामने आए थे वो भी दिखाई दिए थे। तो इस वक्त डरने की स्थिति है या नहीं है? अगर चेताया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, तो अभी इस वक्त आपको लगता है कि वाकई में स्थिति ऐसी आ गई है? जी रीमा जी, पहली बात तो मैं आपके चैनल के, दूरदर्शन के बारे में उसके सब दर्शकों को बोल देना चाहता हूं कि वी शुड नॉट बी फियरफुल एट ऑल, बट यस वी शुड बी केयरफुल। हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। केयरफुल का मतलब ये है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। पिछले एक हफ्ते में पूरे वर्ल्ड के अंदर 36 लाख से ज्यादा केसेस आए, जो काफी ज्यादा है। पिछले एक हफ्ते से या दो हफ्ते से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अगर बढ़ रहे हैं केसेस तो थोड़ा सा हमको सावधानी रखनी चाहिए, और सावधानी हमको यही होती है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी टेम्परेचर है उनको मास्क पहनना चाहिए, और जिन्होंने अभी तक अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है तो उनको बूस्टर लेना चाहिए। तीसरा, अगर कोई भी अगर कोविड पॉजिटिव मिलता है तो उसके साथ वाले जो संपर्क में लोग आए उन लोगों का थोड़ा सा कोविड टेस्ट करके देखना चाहिए, सो उसकी वजह से कोई और लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैले। फर्स्ट वेव में भी हमने देखा था, फर्स्ट वेव काफी प्रोग्रेसिव थी, सेकंड वेव बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुई थी, थर्ड वेव डेफिनेटली थोड़ी रिग्रेसिव हुई थी। हम नहीं चाहते कि वापस कोविड इस तरह से भीड़ भाड़ वाली जगह हो जाए, चाहे वो क्रिसमस का टाइम आ रहा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा, चाहे कुछ भी चल रहा है,
भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से थोड़ा सा लोगों को बचना चाहिए, एहतियात रखना चाहिए, तभी इस वापस महामारी से हम लोग सब थोड़ा सा बच सकते। ठीक है, ओके ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद महिमा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जो बात यहाँ पर अभी डॉक्टर गौतम ने उठाई है, जरा थोड़ा सा उस पर भी मैं जानना चाहूंगी कि इस पर क्या रुख है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद तुरंत लौटते हैं। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉनस्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्याधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार है। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलिथीन शीट ढक कर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढंकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes, funding that inspires, funding that transforms for sustainability and reliability, for investment and development, adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और महिमा जी, जो बात डॉक्टर गौतम ने कही वो बहुत ही, मैं बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ इसमें, मैं कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रही, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सभी ने पिछले 3 साल में देख लिया है कि कोविड प्रोटोकॉल क्या होते हैं, शारीरिक दूरी कितनी रखनी चाहिए, भीड़ में नहीं जाना चाहिए, ये तमाम ऐसी चीजें थी, मास्क का इस्तेमाल, ये तमाम ऐसी चीजें थी यात्रा की, क्योंकि आपने अभी तो सिर्फ बीजेपी पे अटैक किया, उस पर मैंने जवाब ले लिया, लेकिन क्या ये जो छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स हैं इसी को लेकर अगर हिदायत दी गई है, बंद करने को लेकर हिदायत नहीं दी गई, ये कहा गया है उस चिट्ठी में, आपने पढ़ी होगी, कि प्रोटोकॉल का पालन करें, तो फिर दिक्कत क्या है? अपनी बात शुरू करने से पहले, उत्तर शुरू करने से पहले ये दिखाना बड़ा आवश्यक है। ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है कि भीड़ से दूर रहें। ये आपने बड़ा सही बताया रीमा जी कि एक हफ्ते से बात चल रही है, ये 2 दिन पहले की झलकियां हैं मोदी जी की त्रिपुरा की रैली की। तो ये सवाल बिल्कुल जायज है आपका कि भीड़ से दूर रहना रहने की हिदायत के बावजूद एक हफ्ते से जब ये बात चल रही है, चलिए कांग्रेस पार्टी तो हम आपके माध्यम से ये समझ रहे हैं कि गैर जिम्मेदार पार्टी है शायद, लेकिन मोदी जी तो बड़े जिम्मेदार हैं और मनसुख मांडविया जी उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो चेता रहे हैं, बावजूद उसके मोदी जी ऐसी बड़ी रैली जुटा रहे हैं जाकर के, तो यानी देश हित में कौन नहीं सोचता, ये तो आज जनता को सोचना पड़ेगा। उसके अलावा आप ये देखिए कि जितने भी चीजें आप बोल रहे हैं, मैंने जैसा पहले कहा था मैं फिर पूछूंगी कि चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो फ्लाइट्स हो, एरोप्लेन्स आने जाने के साधन, यातायात के तमाम प्रकार के, चाहे वो मार्केट्स हो, मंडियां हो, आज ये जो चेतावनी आ रही है, ये जो चेतावनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए दी जा रही है, बिल्कुल मैंने तो शुरुआत से एक ही बात की, मैंने तो राजनीतिक बात एक भी नहीं कही शुरू से, मुझे कहनी इसलिए पड़ी क्योंकि यात्रा के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, इसलिए रैलियां दिखानी पड़ी, वरना मेरा तो एक साधारण सा सवाल है, बड़ा ही मैं समझती हूँ कि मूल सा सवाल है, इससे ज्यादा मूल सवाल क्या हो सकता है, मूल प्रश्न क्या हो सकता है, मैं नहीं समझती कि क्या गाइडलाइंस है हमें क्लियर कर दिया जाए। और आपने अभी एक बात बोली है कि कुछ कहा नहीं जा रहा है यात्रा को बंद करने को लेकर, चिट्ठी में जितना मेरे समझ में आया है, जितना मैंने पढ़ा है, साफ तौर पर लिखा गया है कि यात्रा को बंद करना पड़ेगा और बल्कि
जो मैं समझती हूँ फोकस है वो इन्हीं शब्दों के ऊपर है, क्योंकि जितने मुद्दे उठाए थे इन्होंने, टी शर्ट का मुद्दा उठाया था वो आंधे मुंह पड़ गया, इन्होंने कहा था दो दिन से ज्यादा चल ही नहीं सकेंगे जमीन पर, वो आंधे मुंह पड़ गया, इन्होंने कहा था कि रघुराम राजन जैसे ये सब लोग आ रहे हैं, तमाम इंटेलेक्चुअल्स और जितने विशेषज्ञ हैं और कृषि हैं, कृषक महिमा जी ओके राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए, सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा का हिस्सा बने ये सुनिश्चित किया जाए, यात्रा में जुड़ने के पूर्व एवं पश्चात यात्रियों को आइसोलेट किया जाए, और आगे जो आपने बात कही मैं, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी था इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, आपसे प्रार्थना और अनुरोध है कि इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए अगर भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करना पड़े तो ऐसा करने का अनुरोध है, ये लिखा हुआ है चिट्ठी में, करना पड़ेगा और गाइडलाइंस में ऐसा कुछ दिया गया, ऐसा मुझे पढ़ने में नहीं आया अभी तक, ऐसा कुछ पढ़ने में आया नहीं। जो बात यहाँ लिखी गई उसी के साथ जो आपने शुरू में अपनी कवर स्टोरी चलाई, पूरी जो आपने स्टोरी चलाई थी उसमें बहुत से बयान चलाए थे जिसमें परिवार से जोड़ा जा रहा है, ये जो करोड़ों लोग यात्रा में जुड़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आता इसमें परिवार की बात कहाँ से आ जाती है, ये तो इसको अंग्रेजी में शीयर इग्नोरेंस कहेंगे या ऐसा कहेंगे कि ये जहाँ जहाँ देखना चाहिए उससे दूसरे। कल से तो वैसे भी 7-8 दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा स्थगित हो ही रही थी, गलत बात नहीं, हमारे जो कंटेनर्स हैं जिसमें यात्री रुक रहे हैं क्योंकि लंबे दौर से चलते आ रहे हैं और दिल्ली में क्योंकि उचित रहेगा उनकी मरम्मत कराना, उनकी कल पुर्जों की मरम्मत करने की आवश्यकता है, ये बात रिकॉर्ड पर है, जयराम रमेश जी ने जारी किया है। ठीक है, वो बयान सबने देखा लगातार परिवार के साथ रह पाए ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन इत्तेफाक तो ये है कि हम दिल्ली उस समय पर पहुंचे हैं जब नववर्ष आ रहा है और उससे पहले दीपावली की 4 दिन की छुट्टी की। बिल्कुल ये यहाँ पर जाहिर होता है, वही मैं भी कह रही हूँ कि एक हफ्ते परिवार के साथ लोग रहे, ये बात भी तो जयराम रमेश जी ने कही थी, तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन मैं वही जानना चाहती हूँ कि जब कल से वैसे भी स्थगित हो रही है कंटेनर्स के मरम्मत के लिए यात्रा जो कल से स्थगित हो ही रही थी, तो फिर दिक्कत क्या थी? तो फिर इसी बीच में तो कोविड के प्रोटोकॉल की भी बात हो रही है ना महिमा जी, तो फिर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की क्या जरूरत थी कि डर की वजह से सब कुछ हो रहा है? कल से नहीं, 23 तारीख आखिरी दिन होगा फिलहाल, 24 से लेकर 1 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी। राजनीतिक मुद्दा इसे यदि किसी ने बनाया तो वो भाजपा ने बनाया, क्योंकि उन्होंने जब ये जो चिट्ठी जारी की कांग्रेस को, इसके बजाय वो गाइडलाइंस सार्वजनिक कर देते और सार्वजनिक गाइडलाइंस कांग्रेस भी जान लेती, कांग्रेस देश से बाहर है क्या? कांग्रेस भी जान लेती सार्वजनिक गाइडलाइंस। अभी क्या है कि कांग्रेस को तो गाइडलाइंस जारी करनी है लेकिन पब्लिक को पता ही नहीं क्या गाइडलाइंस है। अनिला जी जल्दी से स्पष्टता लेकर आएं। ओके अनिला जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अजय जी के पास मैं जाऊंगी, क्योंकि अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई कमेंट उनके पास ऐसा आया है, लेकिन पहले जरा अनिला जी, ये बार बार वही डर की बात आ रही है, किस चीज का डर है? मतलब भीड़ आ रही है इसका डर है, इस वक्त देश में इतनी बड़ी यात्रा चल रही है बीजेपी को उसका डर है, या कोविड का डर है? ये डर कुछ समझना मुश्किल हो रहा है। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ये होता है कि अगर हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एक चिट्ठी लिखी तो ये कहा जाता है कि नहीं, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कोविड प्रोटोकॉल का जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने की, एक ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होता है। इररिस्पॉन्सिबल और राजनीतिकरण से भरा हुआ जो व्यवहार स्टेटमेंट वही होता है जो राहुल गांधी जी से लेकर अभी महिमा जी तक जो बोल रही हैं हम लोगों ने सुना है। ठीक है, इनसे हम बहुत डर रहे हैं, अभी गुजरात में बहुत सारा डर हमें लग गया और देख लीजिए कांग्रेस की क्या हालत है। हिमाचल में मात्र 0.9% से बीजेपी पीछे रह गई, हम तो भैया बहुत डर रहे हैं। एमसीडी में इन्होंने पता नहीं कौन सा बहुत कमाल दिखा दिया दिल्ली में, हम तो इनसे बहुत डर रहे हैं। किस गलत फहमी में बैठे हुए हैं साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी खुद ही राहुल गांधी जी से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु कोरोना से डरने की आवश्यकता हम सबको है। अभी जो चीन में जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है जिसकी वजह से वहां पे कोविड विस्फोट हो रहा है BF7, वो वडोदरा में एक महिला जो है उसमें वो पाया गया है। शुरुआत ऐसी ही होती है,
तो कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है वो पहले से ही अगर प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देती है तो अच्छा रहता है। तो प्रिकॉशनरी लेटर अगर लिखा है, चिट्ठी लिखी है और ये अपील की है कि भाई आप इसको जरा देख लीजिए कि प्रोटोकॉल फॉलो हो जाए, तो आराम से कह सकते थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोटोकॉल फॉलो हो जाए। अब नहीं जी, आप तो राहुल जी से डर गए और जयराम रमेश भी बोल रहे हैं और फलाना और ढिमकाना। अरे डर गए क्या, डर गए? पहले पहले जो कांग्रेस डरी बैठी है कि उनको एक चुनाव में नहीं लेकर आई, आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, देखिए राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नतीजे भी हाल फिलहाल आ गए, 0.9% से अगर आपने सरकार बना ली है, पंगा ले लिया आपने साथ। ओके ठीक है, सेकंड दीजिएगा। ये बात हिमाचल की बात कर रही हैं, ये भूल रही हैं ये बताना कि 5% इनका वोट शेयर गिर गया। वोट गैप तो बता रही हैं पर ये नहीं बता रही कि 5% वोट इनका गिर गया है वोट शेयर हिमाचल के अंदर। दूसरी बात, इन्होंने अभी जितनी बातें कही और अब इनके पास उत्तर नहीं होगा। मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि प्रधानमंत्री जी के लिए प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं क्या, मैं ये भी पूछ रही हूं कि पीएम केयर्स फंड जो जिसके अंदर हमारे देश के सभी वासियों ने देश हित में पैसा डाला, उसमें चीनी दूतावास ने एक बड़ा हिस्सा डाला पैसे का, बार बार हम सवाल उठाते हैं, रोज चर्चाओं में कोई उत्तर नहीं आता था। इनके दोहरे चरित्र की बात करें, पीएम केयर्स फंड नहीं 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 नहीं, आप मुझे बता दो कि राजीव गांधी का पूछ रही है पैसा लिया गया, ये बात शो के लिए लिया गया, ये बोलने का मतलब मैं तरफ दीजिए रीमा जी का हिसाब किताब दीजिए। पीएम केयर्स फंड में तो जो भी पैसा लगता है उसका हिसाब किताब जो है सारा चीन पर पिछले एक हफ्ते से डिबेट चल रही है लगातार, मैंने 5 बार बोल कर रही है चीन पर, और आज भी चीन पर ही चर्चा करती है। अगर ये डर की राजनीति नहीं शुरू हो जाती है, हिमाचल में तो झूठ भरोसा है ना उन्होंने कि ओपीएस लागू करेंगे, ओपीएस में चला जाएगा हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चलाएंगे, कटोरा लेकर बैठेंगे क्या? मुश्किल है क्या? झूठा पड़ेगा कि पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी को लड़ने की आवश्यकता नहीं है, जनता से लड़िए। एक एक करके दोनों लोग बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके बात कीजिए, उचित बात है। जल्दी से महिमा जी, अजय जी भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए। चर्चा में तो 5 सेकंड बहुत देर से मांग, हाँ जल्दी। पहले मिनट से अभी तक मैंने यदि बोला हो भाजपा डरी हुई है तो मुझे आप बता दे, मेरे नेताओं ने जो बोला उसके सारे कारण मैंने गिरा दिए, लेकिन मैंने एक बार भी बोला हो तो आप मुझे बता दीजिए कि डर की बात मैंने की हो, मैंने नहीं की, मैंने तो सवाल उठाए, मैंने पूछा 30 जनवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था उसके बाद कुछ नहीं किया गया, वो क्यों नहीं किया गया? देशद्रोही हो गए थे क्या भाजपा वाले? तब मैं तो ये पूछ रही हूँ, बता नहीं रहे हैं। महिमा जी यहाँ तो पॉइंट एक है ना, पॉइंट सिर्फ एक है कि राहुल गांधी अगर किसी कोविड पॉजिटिव, मैं नहीं बात कर रही वो कौन हो सकता है शख्स, मैं सीएम की बात नहीं कर रही, मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन राहुल गांधी अगर किसी भी ऐसे शख्स के साथ गले मिलते हैं, उनके साथ इतनी कम दूरी से चलते हैं, तो ये तो राहुल गांधी की सेहत के बारे में भी बात हो रही है ना। अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट के इर्द गिर्द वो आए हैं तो फिर उनकी सेहत पर भी खतरा है ना, उनके बारे में भी बात हो रही है। लीमा जी, सुखू जी, टेस्ट भी कहाँ हुए पीएम के कार्यालय में, और अभी देखिए सिम्टम्स भी उनमें कोई आ गए हो, उन्होंने बता दिया राहुल गांधी जी में आ गए हो, तो भी हम देखिए राहुल गांधी जी चल रहे हैं, सुबह 6 बजे शुरू करते हैं, उसके लिए 3-4 बजे उठते हैं सुबह, अरे और रात में चलते हैं, ये कह रही है कि एक सेकेंड महिमा जी, क्या आपने बोला प्रधानमंत्री कार्यालय में पाए गए पॉजिटिव? मतलब मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रही हूँ। उनको मिलने जाना था ना, लक्षण थे, मैं ये कह रही हूँ यदि कोई लक्षण होंगे राहुल गांधी जी को भी, यदि उनकी सेहत के को लेकर कोई खतरा लगेगा तो वहाँ भरपूर पूरी टीम मौजूद है, सारे कार्यकर्ता मौजूद है, राहुल गांधी जी खुद भी इस बात का ख्याल रखेंगे। वो सुबह महिमा जी बिना लक्षण के भी तो कोविड पॉजिटिव हुए हैं ना लोग,
लक्षण आने जरूरी है क्या? हाँ जी, रीमा जी, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि स्वास्थ्य की चिंता आप लोगों को हो रही है, वो हम लोगों को भी होगी, मगर उसके, देखिए मैं आपकी बातों के उत्तर दे रही हूँ, पर मैंने शुरू से अब तक बहुत से सवाल पूछे, मुझे एक भी बात का उत्तर नहीं मिला। ये सारे कांग्रेस और भाजपा में आप नहीं चलिए। अजय आलोक जी, क्या ये राहुल गांधी की सेहत की चिंता करना, इस वक्त तो मैं इसको चिंता की तरह से ही देखूंगी, क्योंकि अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ में राहुल गांधी दिखाई देते हैं तो ये एक चिंता का विषय है। अगर राहुल गांधी की जगह कोई भी एक्स वाई जेड और कोई भी होता तो भी शायद ये चिंता का विषय होता ही होता, तो फिर इसमें ये कौन सा डर है? मतलब अगर स्वास्थ्य मंत्रालय चिंता करे तो भी सवाल है, और अगर नहीं करे तो भी सवाल है। देखिए, बिना मतलब का राजनीतिकरण, कांग्रेस उस पर माइलेज ढूंढ रही है और कुछ नहीं है। महिमा जी से ये पूछ लीजिए जरा, राहुल गांधी अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और इतने दिन यात्रा में हमने देखा कि बच्चों को गोदी में उठा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उन बच्चों को कोविड हो गया तो जिम्मेदारी लेंगे राहुल गांधी? क्या ये तर्क है? अभी बोल रही हैं कि हम पूछ रहे हैं पीएम केयर फंड में चीनी दूतावास से पैसा आया कि नहीं, किसने बता दिया आपको? आपको किसने बताया कि चीनी दूतावास ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है? ये तो सेल्फ गोल मानने वाली बात हो गई ना, इसका मतलब चीनियों के संपर्क में आप लोग। अभी राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस इसीलिए कैंसिल किया गया क्योंकि 1,36,00,000 रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन ने लिए पीएम केयर फंड से, जो कि ऑडिटेड रिजल्ट में आया जो कि अलाउड नहीं है। आपको रिसर्च करनी थी चाइना के साथ मिलकर, पता नहीं किस संबंध में, यही राजीव गांधी फाउंडेशन ने आंसर दिया। अभी आप कह रही हैं पीएम केयर फंड में चीनी दूतावास ने पैसे दिए, बहुत बड़ा इल्जाम है ये। आपको कैसे पता लगा? अभी आपने बोला महिमा जी, बता दीजिए ये भी कि आपको किसने बताया कि पीएम केयर फंड में चीनी दूतावास से पैसे गए थे? महिमा जी, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, अगर ये सच्चाई है तो बताइए प्लीज, हमें जानना चाहिए। रीमा जी, ये जो सोर्सेज है, ये सोर्सेज थोड़ा सा आज आईबी के रिपोर्ट का खुलासा हो जाए। हाँ। जो बात हम यहाँ कह रहे हैं वो पवन खेड़ा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं और हम लोग जिम्मेदारी से कह रहे हैं, और उसका उत्तर हम किसी ऐसे राजनीतिक विश्लेषक को नहीं देंगे जो कार्यक्रम की शुरुआत में राजनीतिक विश्लेषक होते हैं और अंत तक भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं। नहीं, राजनीतिक विश्लेषक को मत दीजिए, लेकिन जो दर्शक चैनल देख रहे हैं उनको तो दे दीजिए जवाब। जरूर देंगे, राजनीतिक विश्लेषक को मत दीजिए जवाब देंगे और एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर देंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म होगा वो बताएगा, हम अभी से क्या बताएं? चीनी दूतावास ने बताया था क्या कांग्रेस पार्टी को? इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन कि हमने पैसे दिए हैं, चीन फंडिंग दे रहा है, ये भी चीनी दूतावास ने बताया है, विश्व को बता रहा है, सार्वजनिक हो जाएगा उनको। अच्छा। कोई इतने आत्मिक संबंध है आपको, राहुल गांधी जी को पता है उनको कोरोना नहीं हुआ क्योंकि चीन में फैल रहा है। बात हम कर रहे हैं कोविड के समय भी गुपचुप मीटिंग्स करते हैं, कौन से मीटिंग्स करते हैं? महिमा जी, और वो जो बाली के अंदर जो बात कर रहे थे और शी जिनपिंग जी की महिमा जी देखिए, चीन पर वैसे ही डिबेट नहीं है, एक मिनट, चीन पर महिमा जी, ओके महिमा जी और अनिला जी, 267 का उल्लंघन करेगी, ठीक है महिमा जी, वैसे तो ओके महिमा जी एक सेकंड, अनिला जी एक मिनट महिमा जी, वैसे तो चीन पर हम डिबेट नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने इतने बड़ा यहाँ पे खुलासा किया और पवन खेड़ा जी इस पर बोल चुके हैं, अब आप कह रही हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आप इसको नहीं, मुद्दे को उठाना चाहती, पहले आपने ही जिक्र किया, अब सवाल तो बनता है ना कि अगर इतना बड़ा आपने आरोप सरकार पर और पीएम केयर फंड पे लगाया है तो उसका कोई आधार तो होगा ना, उसका कोई बेस होगा, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स तो होंगे आपके पास। बड़ा सही कर रही है, मैंने इससे पहले सवाल ये उठाया था कि 30 जनवरी को हमने चेता दिया था, उसके बावजूद 23 मार्च तक कुछ कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए, ये बात हमें सरकार बता दे, और उस बीच में मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की क्या उठापटक हुई वो भी देश जानता है, और यहाँ बोल रहे हैं वो भी सर्वविदित है। ओके, बहुत सी बातें बिना कहे, मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाहती थी, आपने जो आरोप लगाया उसका बेस क्या है, उसके क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऐसे बयान हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, क्या चीज है आपके पास जो आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, मैं सिर्फ वो जानना चाहती थी, क्योंकि दर्शकों को गुमराह नहीं करना चाहिए, उनको सच्चाई का पता लगना चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, संसद के अंदर चर्चा से मना करके हुआ तो हुआ करना चाहिए। अरे भाई, देश की जनता का अधिकार है ऐसी गंभीर चर्चा को अंजाम दिया जाए संसद के अंदर, ये देश की जनता का अधिकार है।
ये जब सरकारी पार्टी ये बोलती है ना कि देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता सिर्फ हमारा जो है वो दायित्व है, वो ये भूल जाती है कि बस हो गया भाषण, अब मैं बोलूं कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम महिमा जी ये है, अभी तक जिस भी सवाल को मैं लेकर आ रही हूँ आप उसको कहीं और पहुंचा रही हैं और मेरी डिबेट को भी आप कहीं और पहुंचा रही हैं। मैं बात यहाँ सिर्फ ये चलिए ठीक है, ओके 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 उत्तर दे दूं क्या राहुल? हाँ जल्दी से अनिला जी उत्तर दीजिए, फिर उन्होंने अजय जी ने एक और मुद्दा उठाया, जरा मैं उस पर आती हूँ, पहले जरा अनिला जी जवाब देंगी। अनिला जी ये कह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने चेताया था पर भारत की सरकार बिल्कुल नहीं चेती और इसलिए जो है कोविड जो है भारत में आ गया, नहीं तो भारत में कोविड नहीं आता, पूरे विश्व में कोविड फैल गया था पर भारत में कोविड नहीं आता, अगर जो राहुल गांधी जी ने जो चेताया था, चेतावनी दी थी, अगर भारत सरकार उस पर काम कर लेती। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैडम जहां जहां आपकी सरकार थी जिन जिन प्रदेशों में, ठीक है हेल्थ का मैटर है ये तो स्टेट तो कनी नहीं काट सकता है, तो आप लोगों के जो स्टेट्स थे, आप लोगों के जो राज्य थे, आप लोगों ने क्या प्रिकॉशनरी स्टेप उठाए थे? कुछ उठाए थे? कुछ नहीं उठाए थे। और जैसे आलोक जी ने कहा हुआ तो हुआ, तो याद आया कुछ स्टेटमेंट याद आया अपने नेता लेना हो तो बता दीजिएगा, उत्तर दे देंगे। अपने अपने राज्यों में महाराष्ट्र में क्या हालत हुई थी और महाराष्ट्र के वो दिन कौन भूल जाएगा कि जब मेरे यूपी और बिहार के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को कैसे दौड़ा दिया था भाजपा ने, ओके 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 भेज दिया। ठीक है महिमा जी, नहीं एक मिनट अनिला जी, महिमा जी एक सवाल जो अजय आलोक जी ने इस चाइना पे जो आप डिबेट को लेकर गई उससे पहले जो खड़ा किया था वो बेसिक सवाल है, मैं जरा लौटकर उसी पर आती हूँ। क्या राहुल गांधी जिन बच्चों से मिल रहे हैं उनको अगर कोविड होता है, यात्रियों को कोविड होता है या चलिए भूचाल फैलता है कोविड का, क्या उसकी जिम्मेवारी वो लेंगे? ये फिर वही बात आ जाती है। देखिए अभी अभी आपने एक बड़ा सटीक उदाहरण देखा इस बात का कि सवाल के बदले सवाल कैसे किया जाता है, फिर आप सिर्फ मुझ पर दोषारोपण करती हैं कि मैं सवाल के बदले सवाल कर रही हूं। भारत जोड़ो यात्रा तो रापी की है ना, कांग्रेस पार्टी की, उस पर मैं अनिला जी से थोड़ा सवाल करूंगी ना, या मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश न करें। हां तो बताइए फिर, या फिर मेरे मुंह में शब्द डाले। पहले सरकार देखिए, हम विपक्ष में है, सरकार उठा, हमारा सवाल उठाने का कार्य है, वो कार्य हम कर रहे हैं, सरकार का उत्तरदायित्व है वो नहीं कर रही। लेकिन दूरदर्शन पर आप चर्चा में मुझे कह रही हैं कि मैं उत्तर नहीं दे रही, जबकि भाजपा की प्रवक्ता शुरू से अब तक किसी बात का सवाल नहीं दे पाई, सवाल के सवाल सवाल के जवाब में सवाल कर रही हैं और उसके बावजूद आप उन्हें नहीं चेता रहे। एक मिनट एक मिनट, महिमा जी मुझे आपत्ति है इस बात पर, मुझे एक सेकेंड इस बात पर थोड़ी सी आपत्ति है, क्योंकि हम भारत में कोविड की बात कर रहे हैं। भारत वो देश जिसने इतने सारे देशों को मैत्री में आकर अपनी वैक्सीन, भारत की बनी हुई वैक्सीन दी, जगह जगह जो डंका बजा वो भारत का बजा कि कोविड में किस तरह से भारत ने बाकी देशों की भी मदद की। इस बात पर तो कम से कम आप मत सवाल कीजिए और राजनीति मत खड़ी कीजिए जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चेताया और उसके बावजूद भी भारत सरकार नहीं जागी और इसीलिए कोविड का ब्लास्ट हो गया। कम से कम थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि हम क्या आरोप लगा रहे हैं। पूरा थोड़ा सा क्यों, हम तो पूरा सोच रहे हैं और आपको आपत्ति करने का। भारत वो देश है जिसका डंका बजा है कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर, हमें भी आपत्ति है चर्चा के इस ढंग से जहां एक सुर में मिलकर एक न्यूट्रल बॉडी बनकर जो बैठे हैं वो भाजपा के साथ बोलते हैं। हमें भी आपत्ति है सवाल से जो आपने अभी अभी किया, क्योंकि हम तो सवाल ये नहीं कर रहे, मैं नहीं दूंगा सलाह, गलती हो गई, मैं नहीं दूंगा सलाह, गलती हो गई मुझसे, माफ कीजिए। हम तो बार बार कहावत है हरियाणा में सुनी होगी, हम बार बार हरियाणा में कहावत है सुनी होगी, करना चाहती हैं गधे को दी नॉन, गधा ने कहा छोड़ दी, नहीं देना है मुझे सलाह। हम तो उत्तर देना चाहते हैं, वो उत्तर हम दे रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल शुरुआत से कि 30 जनवरी को चेताने के बावजूद कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुंह पटक करने के बाद 23 मार्च को ही सरकार कोविड प्रोटोकॉल फॉलो होगा कि नहीं होगा ये बता दीजिए, वो भी अघोषित लॉकडाउन, वो भी जनता को के साथ बिना मुझे एक्चुअली महिमा जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसी मुद्दे पर बार बार क्यों घूम करा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि क्या राहुल गांधी या पार्टी के अशोक गहलोत या दिग्विजय सिंह या जयराम रमेश कोई भी अगर इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि एक कोविड पेशेंट आया है वहां पर आपकी यात्रा में, तो फिर कौन जिम्मेवारी लेगा? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी, इसका सीधा जवाब दे दीजिए, फिर मैं डॉक्टर गौतम के पास जाऊंगी। हम फिर आएंगे घूमकर उसी पर, क्योंकि आप यदि सिलेक्टिव डिस्कशन करेंगी, जो बातें हम पूछ रहे हैं उन्हें इग्नोर कर देंगी, तो आना ही पड़ेगा हमें उन्हीं बातों पर जो नहीं सुलझाई जा रही। यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर अगर एक सवाल का जवाब तरीके से जलेबी बनाया जा रहा है उनका, वो हमें कहना ही पड़ेगा दोबारा, क्या करें? ओके
फिर अगेन वही आरोप आपने लगाया, लेकिन अभी भी आप जवाब नहीं दे रही हैं। क्योंकि इस चर्चा को शुरू से आखिर तक कोई सुन लेगा तो उसे मेरी बात की यहाँ पर क्या उपयुक्तता है वो समझ आ जाएगी। तो आप ये नहीं जवाब देंगी कि जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अगर कोविड किसी को होता है या कोई पेशेंट आता है उसकी जिम्मेवारी लेंगे या नहीं लेंगे? यात्रा में आने वाला जिम्मेवारी होगी, यात्रा में आने वाला मैं बिल्कुल उत्तर दूंगी, क्योंकि सवाल से भागना कांग्रेस पार्टी की संस्कृति नहीं है, जिनकी है वो दिख गई यहाँ। मैं आपको उत्तर दूंगी, वो उत्तर ये है कि यात्रा में आने वाला हर वयस्क व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पर आता है, और हर बच्चा जो आ रहा है वो अपने माता पिता के साथ आ रहा है, और उसके माता पिता उसे ले जा रहे हैं राहुल गांधी जी से मिलवाने के लिए। तो यदि मैं एक वयस्क होते हुए कहीं किसी जगह पर जाती हूं और वहां पर कुछ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वैक्सीन से लोगों की मृत्यु हो रही है, तो लेकिन यात्रा के अंदर अपनी इच्छा से आए हुए लोगों को यदि खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, कोविड कुछ भी हो रहा है, तो आप उनसे सवाल ये पूछ रही है कि कौन जिम्मेदार है? सर्वोच्च न्यायालय को सरकार ये बोलती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बस हमने वैक्सीन लगा दिया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से निशुल्क लगे थे, उससे पहले वादा खिलाफी की थी नरेंद्र मोदी जी। महिमा जी, आई थिंक निशुल्क लगाएंगे, लेकिन शुल्क महिमा जी, महिमा जी, महिमा जी ने कहा निशुल्क लगाना होगा, तब लगाया, और आज कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कमाल की बात है, हमारी तस्वीर होगी। महिमा जी, महिमा जी, महिमा जी, दो चीजें हैं, दो बातें हैं महिमा जी इसमें, जो आपने जवाब दिया है इसमें दो बातें हैं। मैं सिर्फ उन दो बातों की तरफ आना चाहूंगी बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के। आपने दो बातें कही कि जो व्यस्क और सब लोग आ रहे हैं, माता पिता बच्चों को लेकर आ रहे हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, ये आपने कहा है ना, यात्रा में अगर वो लोग आ रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेवारी है और सरकार की जिम्मेवारी है। आपने दो बातें कही, या तो उन लोगों की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, मतलब कांग्रेस की जिम्मेवारी है, ठीक है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा सरकार की जिम्मेदारी है ना, मैंने तुलना की एक दूसरी परिस्थिति। हाँ, तो सरकार तो अपनी जिम्मेवारी अगर पत्र लिखकर एहतियातन क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, ये बता रही है, तो सरकार तो इसको जिम्मेवारी में मानेंगे या नहीं मानेंगे कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को ये कहा कि वैक्सीन के बाद एक परिवार की दो युवा लड़कियां मर गई, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम एडवर्स इवेंट्स का कोई डेटा नहीं रख रहे, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पास्ट में अगर हम चर्चा करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से जो आज की परिस्थिति है, आज की जो परिस्थिति है उस पर जवाब नहीं आएगा। क्या पूछ रही है, क्या? अजय आलोक जी जल्दी से जवाब। ओके ओके, अजय आलोक जी जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद एक ब्रेक लेना होगा मुझे। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, ये जो जिम्मेवारी है ये किसकी बनती है? फिर तो तबलीगी जमात को कटघरे में खड़ा करना बहुत ही गलत था, क्योंकि अगर उस बंद कमरे में और लोग आए और वो तमाम लोगों से मिले तो उनको गिरफ्तार करना तो फिर बहुत ही गलत बात थी, अगर यही एक तरीका है फिर कोविड प्रोटोकॉल का। एक 125 साल पुरानी पार्टी की प्रवक्ता अगर ये बोलती है कि यात्रा में लोग अपनी जिम्मेदारी से आ रहे हैं और यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, आपने ट्रेन में लिखा हुआ देखा है ना, ये तो वही हाल हो गया। संवेदनहीनता कहां से आ गई है? नीतीश इफेक्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, संवेदनहीनता है ये कि बच्चे को कोविड हो गया तो मां बाप की जिम्मेदारी है, ये बोल रही है आप महिमा जी। जी ने कहा था कि मेरी तपस्या है, उसमें मैं यदि जाकर के अपनी ड्यूटी देकर आई या यात्रा करके आई। प्रधानमंत्री जी तो अपील करते हैं रैली में जाने वाले लोग को भी कि संभल के जाना, धीरे धीरे जाना, यात्रा में इनकी आस्था है लोकतंत्र में। महिमा जी, मेरा सवाल अजय जी से था, महिमा जी, अजय जी से सवाल था मेरा। महिमा जी, अब उनको भी आप उनको नहीं मान रही है वो अलग बात है, लेकिन हम तो मान रहे हैं ना, मेरा सवाल उनसे था, अजय जी से, और मैं उनकी सारी गलत बातें चुपचाप सुनती रहूं। आपके आप तो किसी को बोलने दे ही नहीं रही है, तो आपके बीच में कौन बोलेगा? आपकी आवाज इतनी बुलंद है, जरा उनको बोलने दीजिए अजय जी को। अजय जी, अजय जी, लेकिन मेरी बात के बीच में, चलिए अजय जी से सवाल, अजय जी से सवाल है महिमा जी, एक सेकंड महिमा जी, नहीं अजय जी से सवाल है, अब उनको बोलने दीजिए, बाकी भी मेहमान है मेरे इस शो में। अजय जी देखिए, आज महिमा जी को पता ही नहीं चल रहा है कि वो बोल क्या रही है, कभी वो ए बोलती है, कभी वो जी बोलती है, इनको पता ही नहीं चल रहा है, उनका कुछ तार मिल नहीं रहा है। एक लाइन की बात है, आपको जिम्मेदारी बोला गया सरकार से, आपको नहीं सलाह लेनी है, आप बोलिए हम सलाह नहीं लेंगे, जब एनफोर्स किया जाएगा तो हम मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, बात खत्म। राजनीतिकरण करने की जरूरत क्या, इससे माइलेज मिलेगा, इससे वोट बढ़ जाएगा, अगर कांग्रेस पार्टी की यही सोच है तो बढ़िया है, यही करते रहिए। भाजपा डर गई, भाजपा डर गई, अरे राहुल गांधी से पूरी कांग्रेस पार्टी डरती है कि कब क्या बोल जाए। वो कहावत है ना, तू रेल की तरह गुजरती है, मैं पुल की तरह थरथरा जाता हूँ, वही हाल है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेके। तो भी आपको यही करना है तो करते रहिए, एक सलाह है, मानना है, मानिए, नहीं मानना है मत। पैनल पर
उसमें संवेदना तो दिखाइए, बच्चों की बात हो रही है, कह रही है उनकी जिम्मेदारी। शुरुआत से अभी तक अपने उत्तर बिल्कुल सोच समझकर संवेदना के साथ दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर। हमने एक स्पष्टता मांगी थी, वो अभी तक नहीं मिली, कि पूरी पब्लिक को सार्वजनिक कर दीजिए क्या गाइडलाइंस हैं, ताकि सभी मान लें। वो गाइडलाइंस एक अकेले कांग्रेस पार्टी, महिमा जी इस तरह से राहुल गांधी भी एक परिपक्व नेता है, कांग्रेस पार्टी एक परिपक्व पार्टी है, इतनी सीनियर पार्टी है ना, आप अपनी पूरी जिम्मेवारी सिर्फ सरकार पर डाल दें, ये कहां तक ठीक है? एनीवेज मैं जरा डॉक्टर गौतम के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर गौतम, जो बात यहां महिमा जी ने कही, मैं आपसे जरा वो प्रोटोकॉल के तहत बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि उनका कहना है कि जो लोग आ रहे हैं वो अपनी जिम्मेवारी से आ रहे हैं। अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें और हम नियमों की बात करें तो वो क्या कहते हैं? जी रीमा जी, पहले तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोविड के पहले हिंदुस्तान बहुत ही नीचे आता था, अमेरिका, इटली, ये नंबर वन नंबर टू पे आया करते थे, लेकिन कोविड के टाइम ने सबको दिखाया और सबको सिखाया कि हमारे पास में ना तो पीपी किट था, ना मास्क था, ना वैक्सीन था, ना रेमडेसिविर थी, कोई तरह की मेडिसिन नहीं थी, और हम लोग मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की विल पावर बोलिए, हमारे हेल्थ केयर वर्कर का काम बोलिए, सबने लड़ा, हम लोग सब कोविड से लड़े और आज हम लोग वर्ल्ड में नंबर वन कहलाए। हमारे यहाँ की मोर्टिलिटी रेट वर्ल्ड में सबसे कम है, less than 1% मोर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ की थी। सो कोविड से हम लोग बहुत ही मजबूती से लड़े, लेकिन अभी वापस एक समय आया है कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं, जापान में थोड़े आ रहे हैं, यूएस में या आ रहे हैं, तो हम लोग प्रोएक्टिव होके काम करें, सरकार भी प्रोएक्टिव होके काम करना चाहिए और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सबको बिहेव करके, इस टाइम में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसके बारे में सब बताया गया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, और तभी हम लोग जो आने वाली स्थिति जो आ सकती है उसे हम लोग लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की बात है इसलिए आप सबको यहीं पर रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज पांच की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए जब बात यहां पर सेहत की हो, कोविड प्रोटोकॉल की हो, क्योंकि वो तस्वीरें किसी से भूलती नहीं है, वो केसेस भी किसी से भूलते नहीं है, जब 2020 और 21 की तस्वीरें सामने आती थी अस्पतालों की, और इसीलिए अब अगर देश फिर से उस मुहाने पर ना पहुंचे, इसके लिए सरकार काम कर रही है, इसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं और बाकी देशों से सबक सही समय पर लिया जा रहा है, तो इसमें राजनीतिक वेरिएंट को हावी करना कहां तक जायज है? आज पांच की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।